मुश्किल हालात में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जिसका ऐलान चंद दिनों में मतवक्के है। वो मुखबरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं और इमरान खान को इस बात का पता है कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने किसी और के साथ एक्स वाई जी के साथ शेयर नहीं की थी, सिर्फ एक इस बंदे के साथ शेयर की थी, वो इन्फॉर्मेशन भी किसी और जगह पर जा रही है। अगर आप भी इमरान खान से कोई सवाल करना चाहते हैं या उन्हें वीडियोज भेजना चाहते हैं तो इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए कल तक आप ये कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 14 जून और दिन है मंगल का। अगर ये व्लॉग देखते सुनते हुए आपके हाथ में चाय का कप पकड़ा हुआ है, रख दीजिए। आपने सुना नहीं, इकॉनमी बचानी है, इस मुल्क की इकॉनमी खतरे में और आप चाय पी रहे हैं। सुबह में पी ली थी तो अभी रात में पीने की क्या ज़रूरत है, इसे रख दें, इकॉनमी बचानी है। इतना इम्पॉर्टेंट इशू चल रहा है पाकिस्तान में, ये चाय की प्याली, दो नहीं एक पाकिस्तान से चलते चलते हम दो प्याली नहीं एक प्याली तक पहुंच चुके हैं। तो इकॉनमी बचाओ, चाय कम पियो। खैर, आप में से बहुत सारे लोग, ये वैसे ऑन अ लाइटर नोट था, आ चुके एहसन इकबाल साहब ने भी इस हवाले से स्टेटमेंट दी तो वो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल है। तो जहाँ सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल हों तो उसके ऊपर हम भी अपना हिस्सा थोड़ा सा तो डालेंगे ना। ये पता नहीं हुकूमत में आते ही लोगों को क्या हो जाता है, जब हुकूमत से बाहर होते हैं तो इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाते हैं कि तबाह कर दी मईशत, पता नहीं क्या कर दिया, ये निकम्मे बैठे हैं, नाइल बैठे हैं। और जैसे ही हुकूमत में आते हैं फिर लोगों को मशवरा देते हैं कि आप, कोई कहता है रोटी कम खाएँ, कोई कहता है बिजली कम इस्तेमाल करें, कोई कहता है चाय कम पिए, अजीब और गरीब से बयानात आते हैं। लेकिन खैर, कहीं ना कहीं ये जस्टिफाई भी करते हैं, रिलेट करते हैं, बिकॉज हमारा सारा इम्पोर्ट चुके हो के चीज़ें आती हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी ठीक है। लेकिन जब ये ऑपोजिशन में होते हैं तब इन्हें पता नहीं क्या हो जाता है, तब ऐसी बातें नहीं समझाते ये। एनीवेज, आप में से बहुत सारे लोग अक्सर कमेंट सेक्शन में भी और पर्सनल मैसेजेस पर भी एक बात बहुत तवातुर से कहते चले आ रहे हैं कि हमारा फलां मैसेज या हमारा ये इशू मैसेज जो है ये इमरान खान तक पहुंचाए। अमूमन कोशिश भी करते हैं लेकिन चूंकि समटाइम्स नहीं हो पाता, उनके पास ऑलरेडी इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं कि छोटी छोटी चीज़ें वो शायद नहीं देख सकते। लेकिन अब आप लोगों के पास एक मौका फिर से आने वाला है, कल अगर आप चाहें तो इमरान खान तक अपना कोई भी मैसेज वो टेक्स्ट की शक्ल में नहीं, वीडियो की शक्ल में भी आप पहुंचा सकते हैं। जैसे आपका वज़ीर आज़म आपके साथ वाला एक सेगमेंट हुआ करता था जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, अ काइंड ऑफ दैट सेगमेंट बट थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कल फिर से होने जा रहा है। और इमरान खान ने फैसला किया है कि वो पाकिस्तानी अवाम के साथ डिजिटल मीडिया पर अपना राबता मुसलसल बहाल रखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है सिवाय ARY के या एक आध कोई और चैनल, उसको छोड़ के कोई भी चैनल उनके नैरेटिव को, उनकी पार्टी के बयानिए को उस तरह दिखाने के लिए तैयार नहीं है। आप लोगों के सामने घरों में एक स्क्रीन रहती है, मैं अपने ऑफिस में ऑब्ज़र्व करता रहता हूँ, सारे टीवी चैनल सामने लगे मैं देख रहा होता हूँ। जब PTI के तर्जुमान आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सारे टीवी चैनल कुछ और दिखा रहे होते हैं। मेरा अपना ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि जैसे ARY मुस्लिम लीग नून की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को भी दिखाता है, PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को भी दिखाता है, इस तरह बाकी चैनल्स को भी थोड़ा बैलेंस करके चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हो ये रहा है कि इमरान खान की पार्टी के नैरेटिव को बिल्कुल ही एक तरह से दबाया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर उनका नैरेटिव आना बड़ा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब आवाम ऑपोजिशन को सुनना और देखना चाहती है। इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई, क्या राजा रियाज ने कोई प्रोटेस्ट किया या राजा रियाज ने कोई बात की असेंबली में खड़े होकर या उनका कोई स्टेटमेंट? अब राजा रियाज तो ऑपोजिशन लीडर नहीं है ना, वो तो हकीकी ऑपोजिशन का किरदार अदा नहीं कर सकते। तो जो असल में ऑपोजिशन कर रहे हैं आवाम को, उनको भी दिखाना है, लेकिन ये इस हक से महरूम रखा जा रहा है। तो इसलिए इमरान खान ये समझते हैं कि उनकी पार्टी की जो असल स्ट्रेंथ है, जो असल ताकत है, वो सोशल मीडिया और उसी का इस्तेमाल वो अभी मज़ीद भी बढ़ाना चाहते हैं। तो इस सिलसिले में कल होने जा रहा है कुछ नया, वो मैं आगे चल के आपको बता भी देता हूँ। लेकिन ये जो महंगाई का सारा स्नैरियो चल रहा है, आपने देखा कोई तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई है हुकूमती जमात के, कोई वज़ीर उनका आगे गालियाँ दे रहा है, वज़ीर ख़जाना, जो सीधी बात एक क्वेश्चन है कि जनाब आपने अपनी कंपनी को फ़ायदा देने के लिए या कोकोमो को फ़ायदा देने के लिए आपने वो कलर्ड आइटम्स इम्पोर्ट करने के लिए जो इन फूड आइटम्स में यूज़ होते हैं, क्या आपने रियायत दी है या नहीं? ये आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है, अगर नहीं दी तो आप बता दें। डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं कि आपने 11% से कम करके 3% कर दिया है, आपको फ़ायदा हो रहा है, आपकी कंपनी को फ़ायदा हो रहा है।
लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो आप इसको क्लैरिफाई कर दें, इसमें क्या जाता है। कोई वजीर आके गालियां दे रहा है, कोई मिडिल फिंगर दिखा रहा है, कोई अजीबोगरीब सी हरकतों पे उतर आए ये सारे लोग, तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। वो बारिश आदमी अता तारण, मैंने कल उनका देखा, सर शर्म से झुक गया। सही बात है, जिस तरह से उन्होंने, चलो मान लिया कि गुस्सा आया, एक हाथ में आईने पाकिस्तान पकड़ा हुआ है और एक हाथ से नाजेबा इशारा। अब वो जिस तरह से लोगों ने उसके ऊपर कॉमेंट किया कि ये इशारा किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये उस निज़ाम के लिए है जिस निज़ाम के तहत इन लोगों को मुसलत किया जा रहा है। एनीवेज सबका अपना अपना नज़रिया है, लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने माजरत की और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अफसोस ये है कि सबको बाद में याद आता है। अब इस सारी सूरत हाल में ये जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, आप लोगों ने महसूस किया होगा कि थोड़ी सी खामोशी दिखाई दे रही है। वो जो एकदम से पॉलिटिकल सिनेरियो हाइप पकड़ चुका था, उसमें अब थोड़ा सा ठहराव नज़र आ रहा है। इमरान खान एक कदम थोड़ा सा पीछे हटते नज़र आ रहे हैं। मैं चूँकि रोज़ उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कवर कर रहा हूँ, रिपोर्ट कर रहा हूँ, बनीगाला से वो आजकल केपी हाउस में अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, रोज़ाना उनका कोई ना कोई कन्वेंशन हो रहा है। कल आपने देखा लेबर्स के साथ था, आज उन्हें मेहनत कशों को उन्होंने बुलाया हुआ था, इसी तरह परसों वुकला के साथ भी होने जा रहा है। तो वो अपनी जो पॉलिसी है उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, और ये तासुर भी गलत है कि पीछे हट गए। वो कहते हैं ना, बड़ी छलांग लगाने के लिए थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है, तो ये वो वाली स्ट्रेटेजी है। मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि एट द मोमेंट जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये शायद मुझे नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए आई डोंट नो, बट जो मैं अपने आसपास ऑब्जर्व किया, कुछ लोगों से बातचीत किया, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान बिट्रे फील कर रहे हैं, जैसे उनको धोखा दिया गया है। ये नहीं है कि वो सियासी मुखालफिन की तरफ से हो या कुछ और लोगों की तरफ से हो जिनको वो अपना बड़े करीब समझते थे, कुछ पार्टी के अंदरूनी लोगों ने भी उनको डिच किया है किसी इम्पॉर्टेंट मौके पे, जैसे ये लॉन्ग मार्च का सारा मामला हुआ, और इस मौके पर भी वो समझते हैं कि जिन लोगों के ऊपर उन्होंने एतमाद किया, जिन लोगों के ऊपर वो रिलाई कर रहे थे कि ये लोग निकलेंगे, ये लोग कर लेंगे मैनेज, वो लोग नहीं कर सके, और फिर उन्हें बाद में उन लोगों को बदलना भी पड़ा। मैं अभी शायद नाम उस तरह से ना ले सकूँ, एक फहरिस्त है कुछ लोगों की, कुछ लोगों के ऊपर इमरान खान का जो ट्रस्ट था जो बहुत ज़्यादा था वो अब बहुत कम हो गया, और कुछ लोग इमरान खान की नज़रों में अपनी वो वक्त, अपनी वो हैसियत खो चुके हैं एट द मोमेंट। ये बड़ा एक दिलचस्प सा फार्मूला है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये मुझे कन्फर्म पता है कि कुछ लोगों से इमरान खान इसलिए नाराज़ हैं कि उन्हें लगता है कि ये इन लोगों ने एंड टाइम पे उन्हें डिच किया, और कुछ लोगों से इसलिए नाराज़ हैं कि वो मुखबरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं, और इमरान खान को इस बात का पता है कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने किसी और के साथ, एक्स वाई जी के साथ शेयर नहीं की थी, सिर्फ एक इस बंदे के साथ शेयर की थी, वो इन्फॉर्मेशन भी किसी और जगह पर जा रही है। तो इस वजह से भी उन्होंने अब पूरी तरह से एहतियात बरतना शुरू कर दिया। इस सियासी लड़ाई में इमरान खान एट द मोमेंट तो थोड़ा सा उन्होंने अपने अंदर ठहराव लाया है, क्योंकि ये जो हालात इस वक्त वो देख रहे हैं, इसमें बड़ा ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों को प्लान आउट करके, स्ट्रीमलाइन करके फिर आगे जाया जाए, और इस सिलसिले में उन्होंने अपनी मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर दिया। आपने देखा कि लीगल फोरम्स के ऊपर वो भरपूर तरीके से जा रहे हैं, अवामी फोरम्स के ऊपर जा रहे हैं, अब ज़िमनी इंतखाब होने लगा है तो जगह जगह पर उनके जलसे जो हैं वो प्लान हो रहे हैं, और एक बड़े पैमाने पर आपको फिर से इमरान खान जलसे जुलूसों में और फुल अटैक करते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ साथ एक बड़ा अहम हिस्सा है वुकला का, जिसको मुस्लिम लीग नून इस वक्त डोमिनेट करती हुई नज़र आ रही है, उनके ज़्यादातर रबते हैं और वो ग्रांट्स भी जारी कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उस सेगमेंट को या उस कम्युनिटी को भी इमरान खान ने अपने साथ इंगेज करने का फैसला किया है। तो परसों इस्लामाबाद जो बार है उसके कुछ लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन होने जा रही है, इस तरह कुछ और चीज़ें भी स्ट्रीमलाइन की जा रही हैं। आज उन्होंने हमारे जो नए ब्यूरो चीफ हैं साबिर शाकिर साहब की जगह पर जो आए हैं खावर घुमन साहब, उनके साथ उन्होंने कुछ नशिस्त की, कुछ 40 मिनट के करीब उनकी ये नशिस्त थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत जल्द सियासी सरप्राइज़ देने वाला हूँ अपने मुखालफिन को, और उन्होंने कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि मेरी किसी के साथ कोई डील हो गई और उस डील के नतीजे में मैं बिल्कुल बैकआउट कर गया हूँ या कुछ देर के लिए पीछे हो गया हूँ, तो ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि एक एक दिन इस मुल्क के ऊपर भारी पड़ रहा है इस हुकूमत का, और कहते हैं कि अगर ये लोग रहे, इसी तरह इक्तदार पर रहे, तो ये NRO लेने के चक्कर में इस मुल्क की जमहूरियत को तबाह कर देंगे, और जमहूरियत के साथ साथ इस वक्त जो मईशत के साथ हो रहा है वो इससे भी ज़्यादा
खतरनाक सूरत हाल है। बहरहाल कल मैंने आपको बताया कि डिजिटल मीडिया का एक इवेंट होने जा रहा है, अगर आप इमरान खान से कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई वीडियो मैसेज उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको करना यह है कि हैशटैग इस्तेमाल करना है आस्क इमरान खान, और इस हैशटैग को इस्तेमाल करते हुए अपनी वीडियोस आप कल सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट कर दीजिए, और कल रात इमरान खान डिजिटल मीडिया के ज़रिए आपसे मुखातिब होंगे और उन वीडियोस में से जो सिलेक्टिव होंगी, आई नो कि बहुत ज़्यादा लोग अपनी वीडियोस भेजेंगे लेकिन जो सिलेक्टिव वीडियोस होंगी या जो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको आंसर करना ज़्यादातर लोगों के मुफाद में रहेगा या उनके अपना फ़ायदे में रहेगा या पार्टी के फ़ायदे में रहेगा तो वो उनको ज़रूर एड्रेस करेंगे। जारी बात है पॉलिटिकल मामलात के ऊपर ही ज़्यादा इस वक्त फोकस है, तो पॉलिटिकल मामलात के हवाले से अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई राय देना चाहते हैं तो हैशटैग आस्क इमरान खान इस्तेमाल करते हुए आप कल ये सवाल पूछ सकते हैं। अब इमरान खान साहब का जैसे मैंने आपको बताया कि उन्हें लगता है कि कुछ लोगों ने उन्हें बिट्रे किया है, कुछ लोगों ने उन्हें डिच किया है, लेकिन ऐसे मौके पर कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने उनका बड़ा साथ दिया है, मुश्किल वक्त में डटे रहे हैं, खड़े रहे हैं। जब 2014 का धरना हुआ करता था बहुत सारे लोग साथी थे, साथ छोड़ के चले गए, तो जब मैं 100 दिन के बाद जब धरने को 100 दिन पूरा हो गया तो मैं उनका एक स्पेशल इंटरव्यू करने कंटेनर में गया, तो मैंने उनसे पूछा कि खान साहब इन 100 दिनों के अंदर आपने क्या क्या खोया क्या पाया, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मैं बड़ा रेवोल्यूशनरी समझता था लेकिन वो इतने नहीं निकले, वो ऐसे ही निकल गए जैसे पता नहीं कुछ थोड़ा सा मुश्किल वक्त आया और वो भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनको मैं नहीं समझता था लेकिन वो लोग एंड तक खड़े रहे, और ऐसे लोगों की शक्लें कह रहे थे मेरे जहन में और मेरे माइंड में है। तो यही वो बात है कि आज उन्होंने उन लोगों को भी बुलाया, रावलपिंडी इस्लामाबाद की उस बॉडी को, उन नुमाइंदों को बुलाया जो रेड जोन के आसपास या उस वक्त डट कर खड़े रहे, जिन्होंने अपने लोगों को मोटिवेट रखा और आगे बढ़ने में जो इमरान खान का पैगाम था वो आगे पहुंचाने में उन्होंने पेशकदमी जारी रखी मुश्किल हालात के बावजूद। तो आज उन्होंने बुलाकर उन सबको ना सिर्फ उनकी तारीफ़ की, उन्हें अप्रिशिएट भी किया। एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए आने वाली है चंद दिनों में, और उसके ऊपर बड़ी नज़रें हैं सबके, और आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर बड़ा जिक्र है उसका। वो है FATF यानी ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान का निकलना। ये मुमकिन तौर पर यह खबर आपको चंद दिनों में सुनने देखने को मिल सकती है, वैसे इसके ऑपोजिट भी हो सकता है, हो सकता है पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहे, लेकिन हमारी दुआ भी है और अब उम्मीदें भी काफ़ी हद तक रोशन हो चुकी हैं कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल सकता है, इसके इम्कान काफ़ी हद तक रोशन हो गए क्योंकि हमाद अज़हर ने और उनकी टीम ने जाते जाते बहुत ज़बरदस्त और कमाल का काम किया था जिसकी बुनियाद पर अब ये इम्कान रोशन है। और इस सिलसिले में FATF का एक बहुत ही अहम इजलास इस वक्त शुरू हो चुका है और इसमें फ़ैसला होना है पाकिस्तान की किस्मत का। हम मूडीज़ की नेगेटिव रैंकिंग में आ चुके हैं, हमारा आउटलुक जो था वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, लेकिन अगर हम इस मुश्किल वक्त में ग्रे लिस्ट से निकलकर वाइट लिस्ट में चले जाते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए इस मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर होगी। पाकिस्तान कई पाबंदियों से, कई सैंक्शन से बच जाएगा और पाकिस्तान को मुआशी तौर पर भी बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होगा आने वाले टाइम में। इसका क्रेडिट बहुत सारे लोग लेने की कोशिश करेंगे, कई आपको तरह तरह की खबरें सुनने को मिलेंगी, लेकिन मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि जितना इमरान खान ने इसके ऊपर फोकस किया मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों के ऊपर, जाहिर बात है पाक फ़ौज एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर था इस सिलसिले में, उन्होंने भी अपनी भरपूर किस्म की एफ़र्ट्स दिखाई, सिविलियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त और शानदार काम किया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल सके, उनकी भी कोशिशें हैं, प्लस जो सिविलियन गवर्नमेंट थी हमाद अज़हर और उनकी टीम, उन्होंने भी बहुत ही ज़बरदस्त काम किया और बैक टू बैक बहुत सारी जो दिए गए नुकात थे कुछ 26 के करीब उनको पूरा किया, फिर एट दी एंड 7 नुकात रह गए थे उनमें से भी 6 नुकात को पूरा कर दिया। तो अल्लाह करे अब पाकिस्तान इस बड़ी खुशखबरी का जिसका इतने टाइम से मुंतज़र है वो पाकिस्तान को मिल जाए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, अभी अजान का वक्त है, हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस घड़ी हमारी ये दुआ कबूल कर ले कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलकर वाइट लिस्ट में आ जाए। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।